कुकृत्य को अंजाम देने वाला जे हुआ गिरफ्तार। पहली बार 2 नवंबर को चर्चा में आया था विषय, जब सीबीआई की गाजियाबाद शाखा की टीम ने छापा मारा था। टीम ने 4 दिन रह करके यहां पर सर्च किया। पहले दिन सीबीआई के अफसरों ने सिंचाई विभाग निर्माण खंड में तैनात सहायक अभियंता राम प्रसाद से जूनियर इंजीनियर राम भवन के बारे में जानकारी ली। उन्हीं के माध्यम से राम भवन को बुलाया भी गया। उसके ड्राइवर अभय को भी पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ की गई। कुकृत्य को अंजाम देने वाला राम भवन बाड़ा का रहने वाला है, जो पिछले 10 वर्षों से करबी में ही रह रहा था। बताते चलें, मामले की जानकारी के बाद पत्री ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। यह कुकृत्य को अंजाम देने के बाद ऑनलाइन साइटों पर लगातार वीडियो को बेचता था और बाल में शोषण करता था। राम भवन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड सीबीआई द्वारा मांगी में गई, मगर कल तक के लिए मामले को टाल दिया गया। 50 से अधिक बच्चों के साथ कुकृत्य करने वाला आरोपी राम भवन की कल पुनः रिमांड के लिए कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक के लिए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मेरे साथ है श्री राम कुमार सिंह जी, श्री जयप्रकाश राम और हम आयोजन अधिकारी। कितने दिन की रिमांड मांगी थी, क्यों नहीं मिल पाई रिमांड? नहीं, रिमांड की डेट बढ़ गई है, क्योंकि अभियुक्त के अधिवक्ता ने समय मांगा और रिमांड की डेट कल लगी हुई है। 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, उन तक कोई सूचना नहीं पहुंची थी। ऐसे में वो पीड़ित, जो कि इसमें जो आरोपी होते हैं अधिकतर बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जो अक्सर समाज में अपनी बड़ी उम्र का हवाला देकर बच जाते हैं, इसके लिए कोई खास बालकों के उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन के बारे में लगातार जानकारी दी जाती है, जिसमें 1098 पर कोई भी कंप्लेंट किसी भी बालक अथवा बालिका द्वारा की जा सकती है और इसका संज्ञान लिया जाता है। कोई भी मामला ऐसा जो सोशल मीडिया पर चलता है, उसकी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया की टीमों के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके द्वारा ये मेल के द्वारा, डार्क वेब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, जिस में हमारे अभी जो कर्मचारी हैं वो नहीं काम करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह का एक केस ये जिस सामने आया है, इसको भी हम अपने कार्यक्षेत्र में।